की सबसे बड़ी समस्या भ्रष्टाचार है। इतना भ्रष्टाचार हो गया। आज से 3-4 साल पहले लाल किले से खड़े होकर प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि मैं भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ूंगा। जनता को बड़ा अच्छा लगा, जनता ने सुना, टीवी में देखा प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं मैं भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ूंगा, जनता को बड़ा अच्छा लगा। अगले ही दिन सोमवार को एक कांग्रेस का बड़ा नेता, उसके घर ईडी के छापे पड़े, उसके घर सीबीआई के छापे पड़े, खूब कैश मिला, खूब संपत्ति मिली, हिसाब बेहिसाब कैश मिला। मंगलवार को वो नेता जाके प्रधानमंत्री जी के चरणों में गिर गया, बोला प्रधानमंत्री जी मेरे को भाजपा ज्वाइन करनी है। बुधवार को उसने भाजपा ज्वाइन कर ली, बृहस्पतिवार को उसके सारे केस बंद कर दिए। तृणमूल कांग्रेस का एक बड़ा नेता, उसके घर ईडी के और सीबीआई के छापे पड़े, खूब कैश मिला, उसने बीजेपी ज्वाइन कर ली, उसके सारे केस बंद कर दिए। तो लोगों को लगने लगा यार ये प्रधानमंत्री तो झूठ बोल रहा है, कह रहे थे मैं भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ूंगा, ये कोई भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ रहे हैं? तो पूरे देश में एक राज्य के अंदर 8 MLइन्होंने ईडी सीबीआई भेज के छापे मारे, उनको सारों को अपनी पार्टी में शामिल करा लिया। एक और राज्य के अंदर 20 MLA उन्होंने अपनी पार्टी में शामिल करा लिए। तो प्रधानमंत्री जी का मैसेज साफ है, मोदी जी कह रहे हैं मेरे को भ्रष्टाचार से परहेज नहीं है, करो भ्रष्टाचार, खूब भ्रष्टाचार करो, लेकिन मेरी पार्टी में आके करो, बाहर रह के नहीं करने दूंगा। दूसरी पार्टी में भ्रष्टाचार नहीं चलेगा, जो भ्रष्टाचार करना है मेरी पार्टी में आके भ्रष्टाचार करो, बीजेपी में जितना भ्रष्टाचार करो खुली छूट है, कोई ईडी नहीं, कोई सीबीआई नहीं, खुलेआम भ्रष्टाचार करो, ये भ्रष्टाचार से लड़ाई करेंगे। इनके एक नेता हैं कर्नाटक में, उनके घर पे रेड हो गई, पता नहीं कैसे हो गई, मेरे को तो यही नहीं समझ आ रहा वो पहुंच कैसे गए उसके घर रेड में, उसे उम्मीद ही नहीं थी रेड होगी। 8 करोड़ रुपए कैश मिला, 8 करोड़ रुपए, 8 करोड़ कैश मिला, अगले दिन बेल हो गई, कोई गिरफ्तारी नहीं, कुछ नहीं। मनीष सिसोदिया के घर एक नया पैसा नहीं मिला, मनीष सिसोदिया के घर 3-3 बार रेड करी, एक नया पैसा नहीं मिला, बैंक लॉकर से पैसा नहीं मिला, उनके गांव में कुछ नहीं मिला, आज तक मनीष सिसोदिया की बेल नहीं हो रही। सतेंद्र जैन के घर रेड करी, एक नया पैसा नहीं मिला, 3-3 बार रेड हुई, एक नया पैसा नहीं मिला, आज तक उसको बेल नहीं मिल रही। कह रहे हैं दिल्ली में शराब घोटाला हो गया। अरे गुजरात के अंदर पता नहीं कितने लोग मर गए नकली शराब से, पता नहीं कितने सौ, में जब हमें और भगवंत मान गए थे उसी टाइम शायद 150 लोग मरे थे शराब से, नकली शराब से, पता नहीं। कह रहे हैं वह शराब बंदी है, खुलेआम शराब बिक रही है। पूरी दुनिया में सबसे बड़ा शराब घोटाला अगर कहीं है तो गुजरात के अंदर है। कहते हैं 10-15 हजार करोड़ रुपए सालाना का शराब घोटाला है, उसके ऊपर कुछ नहीं होता है जी, 10-15 हजार करोड़ रुपए का शराब घोटाला है गुजरात के अंदर, वहां पे कुछ नहीं होता। तो वो उनके अपने जब शराब घोटाला करते हैं, उनके अपने जब चोरी करते हैं, भ्रष्टाचार करते हैं, उनके खिलाफ कुछ नहीं होता। अडानी के ऊपर इतने बड़े बड़े आरोप लगे भ्रष्टाचार के, इसके उसके, सरकार ने उसकी हिम्मत नहीं सरकार की है कि इंक्वायरी तक नहीं करी, सुप्रीम कोर्ट ने कमिटी बिठाई है। सुप्रीम कोर्ट ने अगर कमिटी बिठाई है तो गड़बड़ तो है, सुप्रीम कोर्ट यूं ही तो कमिटी बिठा नहीं देता। सुप्रीम कोर्ट ने जांच कमिटी बिठाई है, प्रधानमंत्री ने सीबीआई और ईडी नहीं भेजी अडानी के घर में। तो मैसेज सारा साफ है पूरे देश को कि मेरे वाले जब जब घोटाला करेंगे उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं होगा, भ्रष्टाचार करना है तो बीजेपी में रहकर भ्रष्टाचार करो, इसको भ्रष्टाचार की लड़ाई नहीं कहते। अभी मैं कर्नाटक में गया, कर्नाटक में
वहां पे बीजेपी की सरकार है, उसको 40% कमीशन।